हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की जो यूपीएससी कोचिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म होता है वो आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप जाओगे जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ से एडमिशन वाले लिंक पर आप जाओगे। इस लिंक पर जाने के बाद दोस्तों, जो JMI की कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की वेबसाइट वाला लिंक है, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जो आपको लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो ओपन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड में ये क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो पहले इसको मैं डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला लिंक है इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, जैसे यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना। पासवर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट यूज़ करना, एक कैपिटल लेटर यूज़ करना, इसके अलावा नंबर्स का यूज़ करना, और जो कैरेक्टर वर्ड होते हैं जैसे हैशटैग, @ वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यूज़ कर लेना पासवर्ड में, 2 बार पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देना। अगर आपका नाम सिंगल नाम है आपका, ठीक है, तो उस केस में क्या करना, यहाँ पे अपना नाम लिखना नेम के कॉलम में, और लास्ट नेम पे क्लिक करके खाली बीच में स्पेस दे के ओके कर देना। तो एक नाम जो अगर आपको होगा वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद फादर का नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर अपना लिख देना। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोस्तों दोनों वैलिड रखिएगा, ठीक है, जो कि एक्टिव हो। इसके अलावा एक कैप्चा कोड है, उसको एंटर करके आप साइन इन करोगे। तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल आपने एंटर करी होंगी वो यहाँ पर शो करेगा। मैंने हाइड कर रखी है, आप इसको चेक कर लेना कि ये डिटेल सही है या नहीं। एक बार ये डिटेल आपने कंफर्म कर दी, उसके बाद इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है तो चेंज बटन पर क्लिक करके इसको आप चेंज कर लेना, अदरवाइज़ इसको हम कन्फर्म कर देते हैं। उसके बाद एक ऐसा पॉपअप विंडो शो होगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आपका हो गया है, ठीक है। आपके पास फ़ोन नंबर पे SMS आ जाएगा, और जो भी आपका जो आपका ईमेल आईडी आपने दिया है वहाँ पर भी लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि योर रजिस्ट्रेशन फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हैज़ बिन एक्सेप्टेड, यू विल रिसीव 1 कन्फर्मेशन ईमेल सून कंटेनिंग एन एक्टिवेशन लिंक। तो एक ईमेल आया है आपके पास, उस पर एक एक्टिवेशन लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उसको एक्टिवेट भी कर सकते हो, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू चेक योर ईमेल एंड SMS फॉर OTP। यहाँ पे हम पहले बैक टू होम पेज पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए, इस स्टेप के बाद 2 प्रोसीजर आपके रहते हैं। या तो आप डायरेक्ट ईमेल पे जाकर उस लिंक पे क्लिक कर दो और अपना जो अकाउंट है उसको वेरीफाई कर लो, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे एक नीचे एक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, जिसको एंटर करके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हो। जो भी आपका यूज़र नेम यानी कि ईमेल आईडी है वो डालना, और अपना एक एक्टिवेशन कोड जो कि आपके ईमेल पर आया है वो यहाँ पर डाल के सबमिट कर दोगे, तो यहाँ से भी आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से डाल के इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो सबमिट करने के बाद एक ऐसी विंडो शो होगी, हाय मोहम्मद अमीन, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विद योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे सिंपली लॉग इन पर क्लिक कर देंगे, और जो भी अपने अकाउंट का जो भी आपका ईमेल आईडी थी और पासवर्ड था उसके थ्रू लॉग इन कर लेंगे। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पे लॉग इन कर लोगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ और बाकी आप फॉर्म फिल हम करेंगे। तो साइन इन हो गया है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 टैब आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपको माई एप्लीकेशन वाले टैब पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कोर्स टाइप, कोर्स टाइप पे आपको जो अपना कोर्स टाइप है यहाँ पे आपको सेंटर फॉर कोचिंग ये सेलेक्ट कर लेना है, एक ही शो होगा। इसके अलावा कोर्स नेम में आपको, एक मिनट, कोर्स नेम में सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इसकी देखेंगे हम, प्लीज़ रेफर टू JMI प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन फॉर कोर्स डिटेल, ठीक है। ये बता रहे हैं कि एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे हम अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देंगे, आई हैव रीड एंड कन्फर्म द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन, और ऐड द कोर्सेज पे हम क्लिक कर देंगे। ऐड द कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन क्या करना है
देखिए यहाँ पर सारे स्टेप अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है क्योंकि आपने अभी तक कोई भी स्टेप कंप्लीट नहीं करा है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर देखिए, सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन डिटेल वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ आपसे डिटेल मांगी जाएंगी, कुछ डिटेल आप ऑलरेडी एंटर हुई मिलेंगी आपको और कुछ यहाँ पर आपको अपनी सेलेक्ट करनी है। जैसे कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, जनरल है, SC ST है, OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मिली हुई आपको मिलेगी, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, नेशनैलिटी आपको चूज़ करनी है किस, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप यहाँ पे आप चूज़ कर लोगे अपना, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप के बाद गार्डियंस नेम, गार्डियंस का नेम आप यहाँ पे दे दोगे और उनका मोबाइल नंबर भी लिख दोगे, या फिर ज़रूरी नहीं है, घर का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। अपना रिलीजन यहाँ पे आपको चूज़ करना है। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम चूज़ करनी है और मीडियम ऑफ आंसर, मीडियम ऑफ आंसर मतलब किस लैंग्वेज में आप आंसर अटेम्प्ट करना चाहते हो, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, तो यहाँ पर आपको अपना मीडियम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद आर यू फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी माइग्रेंट, NCC और NSS, तो इन चारों में से जो भी आप कैटेगरी बिलोंग करते हो तो वो यहाँ पर दे दोगे, ठीक है। कश्मीर से अगर नहीं हो तो नो सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा NCC या फिर NSS के आपके पास कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेना। उसके बाद आधार नंबर का ऑप्शन है तो आधार नंबर यहाँ पे आप दे दोगे अपना, इसको पहले नो सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, आधार नंबर के बाद यहाँ पे प्राइजेस, मेडल्स, स्कॉलरशिप एट्सेट्रा, उसकी डिटेल यहाँ पे दे देना अपनी, प्राइजेस की, मेडल्स की डिटेल यहाँ पे दे देना। और अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट, कुछ आपकी हॉबीज़ हों एक्स्ट्रा करिकुलम में, डांसिंग, पेंटिंग वगैरह, तो वो यहाँ पे आप दे दोगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, अपना जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है जो भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसके बाद पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेड इन स्कूल कॉलेज, पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेड इन स्कूल कॉलेज, कोई ऐसा आपके पास स्पेसिफिक पोजीशन थी स्कूल में या कॉलेज में, वो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे या फिर किसी सोसाइटी के मेंबर रह चुके हो, सेक्रेटरी रह चुके हो, तो वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस लिखना, हाउस नंबर लिखना, लैंडमार्क लिखना, सिटी, टाउन, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ चूज़ कर लेना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर टिक कर देना, तो ऊपर वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली ये कॉपी हो जाता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर तो यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके बाद नीचे सबमिट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब अगले स्टेप पे आ जाओगे जहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड साइज़ भी मेंशन है, इसी साइज़ में आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करिएगा। फ़ोन से कर रहे हैं, फ़ोन से भी इजीली हो जाता है। एक एप्लीकेशन आती है रिड्यूस फोटो साइज़, उसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में, उससे आपका साइज़ रिड्यूस हो जाता है फ़ोटो का। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन डिटेल देनी है आपको अपनी, यहाँ पर 10th की डिटेल देनी है, 10th क्लास की, 12th क्लास की देनी है, और उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी भी दे सकते हो, ठीक है। डिटेल में यहाँ पे क्या देना है आपको, यहाँ पे आपको अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी का रोल नंबर देना है, किस ईयर में पास आउट करी, अपने स्कूल या कॉलेज का नाम जो भी है वो देना है, और डिवीज़न और ग्रेड क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो यहाँ पे लिखनी है, और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो देने हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देनी है 10th, 12th और ग्रेजुएशन की, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो उसकी भी दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है एप्लीकेशन फॉर सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग। यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी चूज़ कर लेना अपनी, क्या है, माइनॉरिटी है, SC ST है या वुमेन है, और क्या आप जामिया के स्टूडेंट हो, इंटरनल या ग्रेजुएशन आपने जामिया से करी है या नहीं, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना। उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन सब्सक्राइबिंग माइनॉरिटी न्यूज़ बुलेटिन ऑफ RCA रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लेना, अगर आप चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद टेस्ट सेंटर यहाँ पे लिख देना, जो भी टेस्ट सेंटर आपको चूज़ करना हो, ठीक है। नोट द कैंडिडेट हैव टू ऑप्ट अ सिटी अमंग द लिस्ट गिवन अबव इन द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर टेकिंग दिस एडमिशन टेस्ट, हाउएवर सेकेंड चॉइस ऑफ एडमिशन टेस्ट सिटी इज़ दिल्ली बाई डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो भी अपना प्रेफरेंस यहाँ पे आप चूज़ करोगे वो पहला प्रेफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, बाकी इसके अलावा जो दूसरा प्रेफरेंस रहेगा वो न्यू दिल्ली रहेगा। अगर आपने न्यू दिल्ली चूज़ करा है तो न्यू दिल्ली में ही आपको
जो सेंटर है वो मिलेगा। इन तमाम चीज़ों को एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपका दोबारा शो करेगा क्या क्या आप चीज़ें आपने डिटेल एंटर करी हैं। अगर चाहते हो उसको तो कैंसिल करके एडिट कर लेना, अदरवाइज़ कंफर्म एंड सबमिट करना। उसके अलावा यहाँ पे आई कंफर्म का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना पहले। इस पर क्लिक करने के बाद ही कंफर्म एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना। देन यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा दोबारा से, उस पर क्लिक करके जो पेमेंट आपको है वो कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना अपना। पेमेंट जब आप कर दोगे तो एक विंडो शो होगी, नोटिफिकेशन शो होगी कि योर पेमेंट हैज़ बिन सक्सेसफुल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाकर जब आप दोबारा लॉगिन करोगे तो पेमेंट आपकी वहाँ पर सक्सेसफुल दिखाएगा, सक्सेसफुल कि कंफर्म एंड पेड करके वहाँ पर लिखा हुआ आएगा जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।